Hello everyone, today we will study about visual display unit, which is also known as monitor in common. So in this lecture we will study what is monitor, it is a type of output device, and also we will discuss the types of monitor and how it is used. Okay, so what is monitor? Monitor, which is known as visual display unit, in short form VDU. So monitors are basically a type of output device. Monitor एक तरह का output device है which is used to display graphics, जिसके help से हम लोग graphics को देख सकते हैं on the monitor screen. जैसे कि आप जो भी laptop या computer use करते हो, तो लैपटॉप के जो मॉनिटर स्क्रीन होता है या फिर कंप्यूटर का जो अलग से मॉनिटर होता है, उस पर आप जो भी काम करते हो, तो एज ए ग्राफिकल डिस्प्ले आप उसको देख सकते हो, राइट? सो मॉनिटर बेसिकली यूज़ होता है ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए, जो भी काम आप कर रहे हो अपने डिवाइस पे, अपने सिस्टम पे, उसको डिस्प्ले करने के लिए. सो मॉनिटर्स यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के यहाँ पे मैंने बताया हुआ है. फर्स्ट इज़ कैथोड रे ट्यूब, CRT, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, light emitting diode, LED and plasma monitors. So these are the types of monitor. So in this lecture we will discuss about the 3 most common used monitors, that is LCD, CRT and LED. First is cathode ray tube monitors, means CRT monitors. So जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, this is the figure of CRT monitor. तो ये होता क्या था, ये एक्चुअली में पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो होते थे ना, कंप्यूटर्स होते थे, उस पर ये मॉनिटर यूज़ किया जाता था. तो इसका ड्रॉबैक ये था, या फिर इसका डिसएडवांटेज ये था, दैट ये थोड़ा साइज पे क्या था, हेवी था. ये हेवी साइज का होता था और ये ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता था, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था, थोड़ा बड़ा होता था साइज पर, राइट? और ये क्या होता था, थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर भी कंज्यूम करता था और जल्दी से ये हीट भी हो जाता था. तो ये सब इसका थोड़ा ड्रॉबैक्स था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इससे जंप कर गया कहाँ पे, LCD में. LCD के बाद फिर LED है, LED के बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ LEDs भी आजकल आ रहे हैं, OLED, राइट, QLED, देन प्लाज्मा मॉनिटर्स. तो ये मॉनिटर्स का जो इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे, राइट, तो ये क्यों हुआ है, पिक्चर क्वालिटी को एडवांस बनाने के लिए, है ना, एडवांस बनाने के लिए, जिससे कि हमारा पिक्चर क्वालिटी ऑल भी क्या हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाए, ब्रिलियंट पिक्चर क्वालिटी, और एनर्जी भी वो लेस कंज्यूम करें, राइट? तो ये सब कुछ रीजंस है जिसके वजह से मॉनिटर्स का एवोल्यूशन हुआ. तो ये CRT मॉनिटर काम कैसे करता है, तो बेसिकली CRT मॉनिटर वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करता है. वैक्यूम ट्यूब एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को यूज़ करके ये CRT मॉनिटर्स वर्क करता है. तो उस वैक्यूम ट्यूब में फॉस्फोरस फिल्ड रहता है, राइट, भरा हुआ रहता है. तो उस फॉस्फोरस फिल्ड किया हुआ वैक्यूम ट्यूब से जब इलेक्ट्रॉन फायर होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है, छोड़ा जाता है, कहाँ पे, इस स्क्रीन के तरफ, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है. ये रेड कलर का जो लाइन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन बीम है ये, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, ये भेजा जा रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन बीम के मदद से इस स्क्रीन पे, ये जो फॉस्फोरस का स्क्रीन है, ठीक है, ये लाइट अप होता है. लाइट अप मीन्स इसमें लाइट जनरेट होता है, और लाइट जनरेट होने के बाद हमको स्क्रीन पे इमेज या फिर जो भी डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन हीट कर देता है फॉस्फोरस वाले स्क्रीन को, ये लाइट अप हो जाता है, मीन्स यहाँ पे लाइट जनरेट होने लगता है, और जो भी हम लोग को डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है. तो जो भी कलर आप यहाँ पे देखते हो, अलग अलग तरह का कलर जो होता है, वो कलर कैसे बनता है, तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट, जिसको हम RGB लाइट भी बोलते हैं. तो ये 3 कलर के कॉम्बिनेशन से ही बहुत अलग अलग कलर का इमेजेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर.
नेक्स्ट वी हैव लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी मॉनिटर्स। तो एलसीडी मॉनिटर्स क्या होता है, ये थोड़ा सा इफिशियंट होता है सीआरटी मॉनिटर से। एज कंपेयर टू सीआरटी मॉनिटर आप देख सकते हो इसका जो स्क्रीन होता है वो फ्लैट होता है, राइट, फ्लैट पैनल होता है। फ्लैट पैनल मीन्स एकदम स्ट्रेट सीधा, राइट, और ये उससे थोड़ा सा साइज में भी और वेट में भी छोटा होता है, हल्का होता है, लाइट वेट, और कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब होना छोटा होना, लेस एरिया ऑक्यूपाई करना, मतलब कम जगह ये ऑक्यूपाई करता है। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो हमारे लैपटॉप टैबलेट या स्मार्टफोन स्क्रीन पे यूज़ होते हैं। तो जैसे अगर आप लोग कभी भी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे अगर थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करोगे अपने फिंगर से, राइट, तो आप देखोगे जहाँ पे आपने प्रेस किया है वहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का फ्लो होने लगता है, राइट। सो उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को यूज़ करके हमारा इमेज या फिर कोई भी तरह का जो भी ग्राफिक्स है वो डिस्प्ले कराया जाता है। तो ये थोड़ा सा इफ़िशियंट था सीआरटी मॉनिटर से। सीआरटी मॉनिटर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर भी कम कंज्यूम कर रहा था, राइट, और थोड़ा बेहतर पिक्चर भी प्रोवाइड कर रहा था। सो इसके बाद आता है एलईडी मॉनिटर्स, दैट इज़ कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये मॉनिटर्स एक्चुअली में एलईडी पैनल से बना हुआ रहता है। इसमें बहुत सारे एलईडी पैनल्स होते हैं और हर एक एलईडी पैनल में बहुत सारे एलईडीज लगे हुए होते हैं, राइट। सो उसी एलईडीज की मदद से हमारा डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन सी हियर मेनी एलईडीज टू बैक लाइट द डिस्प्ले। डिस्प्ले को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे एलईडीज हर पैनल पे लगा दिए जाते हैं। अब जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस है जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, अब जो भी आप एलईडी टीवीज देख रहे हो, स्मार्ट टीवीज जो देख रहे हो, जो एलईडी टीवीज होते हैं, राइट, और उस पर स्मार्ट फंक्शंस एम्बेडेड होते हैं, स्मार्ट फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। एलईडी मॉनिटर्स आते हैं कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप स्क्रीन में भी हमारा एलईडी मॉनिटर्स लगा दिया जा रहा है, राइट। तो ये सारा टेक्नोलॉजी, एलईडी टेक्नोलॉजी हम लोग अब इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग को बहुत ही ब्रिलियंट और हाई क्वालिटी ग्राफिक पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू सीआरटी एंड एलसीडी। सीआरटी और एलसीडी के कंपैरिजन में, तुलना में, एलईडी बहुत ही बेहतरीन टाइप का हम लोगों को पिक्चर क्वालिटी और ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो कंज्यूम लेस पावर, हैंस मोर एफिशियंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार टाइप का रेटिंग देने वाला मोनिटर्स आता है या टेलीविजन आता है, राइट। तो उसका मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो पावर है वो लेस कंज्यूम करेगा, ये कम इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और इफ़िशियंट है ये, राइट। इफ़िशियंट इसलिए है क्योंकि ये हायर क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स दे रहा है आपको, है ना, और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ कर रहा है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज नाउअडेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोनिटर्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट प्रिंटर्स। टिल देन you watch all the lectures properly. Thank you.